33 वर्ष पहले 19 जनवरी को, और वो पुण्यतिथि हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और हम ओशो से दीक्षित सन्यासी हैं जिन्होंने ये ओशो की माला धारण की हुई है, और ऐसी माला के साथ हमें यहाँ प्रवेश वर्जित किया जा रहा है जो कि हमारा अपना ही आश्रम। पहले हम इस स्थान पर मेरे जैसे लोग सबका स्वागत करते थे, अब हमारे लिए बाउंसर खड़े हैं, ढेर सारी पुलिस खड़ी है, जैसे कि हम आतंकवादी हों। हम तो प्रेम का संदेश बांटते हैं, ओशो का सारी दुनिया में बांटते हैं, और ध्यान से प्रेम और करुणा ही निकलती है। लेकिन रीजन क्या है, क्यों आपको अंदर जाने से रोका? वो कहते हैं कि अब ओशो की माला पहनना हम आपको अलाउ नहीं करेंगे, और ओशो की दी हुई माला हम ना पहने तो किसी, ये माला पहनकर हम मस्जिद में जा सकते हैं, गुरुद्वारे में जा सकते हैं, चर्च में जा सकते हैं, सब दिशाओं में जा सकते हैं, इमिग्रेशन अमेरिका कहीं भी जाते हैं, कोई हमें नहीं रोकता। और भारत में ये हमारा संवैधानिक अधिकार नहीं है कि हम अपने गुरु की माला पहनकर गुरु की समाधि पर जाएं। क्या दिक्कत उनको माला से, क्या दिक्कत है? माला की दिक्कत ये है कि वो कहते हैं कि जो हम ट्रस्टी लोग हैं, हम जो तय करेंगे वो आपको मानना है, और ओशो ने उनको वो अधिकार कभी नहीं दिया था। ओशो ने कहा कि ट्रस्टियों का काम होता है कि वो अपनी व्यवस्था जो खाने पीने रहने की, स्वागत करने की होती है, सामान्य गतिविधियाँ होती हैं, वो कोई मुल्ला पादरी नहीं है जो उन्होंने अपने आप को रोल दे दिया मुल्ला और पादरी होने का, ये उनका रोल नहीं है कि हम माला पहनते हैं कि नहीं पहनते हैं। ओशो ने कहा कि मेरा हर सन्यासी मेरा उत्तराधिकारी है, स्वतंत्र है, और उसको उसके साथ आपको वैसा ही व्यवहार करना है जैसे एक आप एक फेलो ट्रैवलर के साथ करते हैं, एक सहयात्री के साथ करते हैं। असम के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हो, आपकी डिमांड क्या है? हमारी डिमांड है कि आज के दिन ही नहीं, सारा समय जब भी यहाँ देश में से, भारत से, विश्व भर से सन्यासी आए, वो जैसे भी आए माला पहन कर आए, नहीं पहन कर आए, ये उनकी मर्जी होनी चाहिए, इनकी मर्जी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि बहुत लोगों ने, मैंने तो ओशो से सीधी माला ली है, माँ धर्म ज्योति हैं यहाँ पर, उन्होंने ओशो से संन्यास लिया है, ये माला उन्होंने पहनाई है, तो ऐसे कैसे हम इस माला को त्याग दें हम? और ये तो ऐसे लोग हैं जिनकी शक्ल भी ओशो ने कभी नहीं देखी थी, ये तो नए लोग हैं और बाद में आए हैं। हम तो 71 और 76 जुड़े हैं, और हम अपनी मर्जी से ओशो का संदेश पूरी दुनिया में पहुँचाते हैं, जाते हैं, और हमारा सब जगह स्वागत होता है। ओशो के 500-600 केंद्र हैं दुनिया भर में, हम विश्व भर में जाते हैं उनका संदेश लेकर। और ये होते कौन हैं कि आप माला ना पहनो, आप ये ना करो, वो नहीं करो? मेरा अभी कार्ड बन रहा था, जैसे मैंने माला बाहर निकाली, मेरा कार्ड वापस ले लिया। ये एंट्री प्रवेश के समय जैसे मैंने माला बाहर निकाली तो मेरा कार्ड ही चला गया, जैसे कि माला ना हुई कोई, मैंने बंदूक निकाल लिया। It's not a gun, it's a माला, ओशो की माला। हाई कोर्ट का जो निर्णय है उसका क्या? हाई कोर्ट का निर्णय है कि समाधि पर सभी का प्रवेश हो सकता है, जो बैन लोग हैं उनका भी हो सकता है, लेकिन ये इनकी जो इंटरप्रिटेशन है कि हम अपनी मर्जी से प्रवेश देंगे। और 970 रुपए मांगना सिर्फ समाधि जाने के लिए, देश में कौन सी ऐसी समाधि है जहाँ आप किसी भी संत महात्मा की, मेहर बाबा की, संत तुकाराम की, संत ज्ञानेश्वर की, कहीं आपको इतना पैसा देना पड़ता है समाधि में प्रवेश करने के लिए? वो भी और ये पैसे मांगना कब से शुरू हुआ है, कितने साल पहले शुरू हुआ है पैसे मांगना? पैसे मांगना कितने साल से शुरू? ये पूरे अंदर शुल्क होता था, लेकिन जब हम कहते हैं हमें समाधि में दर्शन के लिए जाना है तो हर किसी को पास बनाना है और माला उतारनी है और फिर अंदर जाना है, और वो 970 रुपये देने, चाहे आधे घंटे के लिए भी आप जाएँ। तो ये तो एकदम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने ऐसा कभी नहीं कहा, कॉमन सेंस यूज़ करने के लिए कहा है कि आप जब पूरा दिन नहीं जा रहे हैं और समाधि के दर्शन के लिए जा रहे हैं तो आप इतना शुल्क क्यों लेना? हम दोबारा इस द्वार खटखटाएंगे, दोबारा हम जाएंगे हाई कोर्ट में कि इन्होंने बिल्कुल गलत इंटरप्रेट किया है। दूसरी बात, यहाँ ओशो की, सिर्फ ओशो की समाधि नहीं है, ओशो के पिताजी की, ओशो की माता जी की, ओशो के शिष्यों की, माँ आनंद सीता की, स्वामी आनंद मैत्र की, स्वामी विमल कीर्ति की, 5-5 समाधियाँ हैं, और वो हमें दर्शन भी करने नहीं दे रहे। उनका लगता है काले कपड़े डाल रखे हैं, मैंने सुना है उनके ऊपर, समाधियों पर। तो ये कोई ढंग है आश्रम चलाने का? आश्रम आप रिजॉर्ट कहो ठीक है, लेकिन उसका ये अर्थ नहीं कि आप आश्रम की आत्मा को कुचल दो।
और आत्मा बनती है जहाँ एक सदगुरु एक एक बुद्ध पुरुष रहता है, उसकी तरंगे होती हैं यहाँ कण कण में, पत्ते पत्ते में ओशो की तरंगे हैं, हजारों साल तक रहती हैं। आज भी बोधि वृक्ष पर इतने सारे लोग जाते हैं, दुनिया भर से जाते हैं। क्यों जाते हैं? कि वहाँ उनको एनलाइटनमेंट मिली, बुद्ध के चरण वहाँ पड़े। लेकिन आप आगे होगा क्या? आप तो जाना चाहते हैं माला पहन, वो नहीं आने देते, आगे होगा क्या? आपका सहयोग चाहिए हमें हमारे संवैधानिक अधिकारों को यूज करने के लिए। हम इस देश के नागरिक हैं और यहाँ जो ट्रस्टी हैं वो ज्यूरिख में बैठे ट्रस्टियों की आज्ञा का पालन करते हैं अंधों की तरह। वो मुल्ला बने बैठे हैं, वो पादरी बने बैठे हैं, वो कहते हैं कि आज हुक्म जारी कर दो कि माला कोई नहीं पहनेगा, तो माला कोई नहीं पहनेगा। ये खुद ही पहने रहे हैं कई सालों तक, बेचते रहे हैं माला, दीक्षा में देते रहे हैं, इनर सर्कल के लोगों को दीक्षित करते रहे हैं माला देकर। उनके पास मैं आपको हजारों चित्र दिखा सकता हूँ और ओशो ने माला स्वयं पहनाई है सर। तो ये से कैसे हो सकता है कि ये जो नए मुल्ला आ गए हैं, ये कैसे इतने लंबे समय से जुड़े हैं ओशो के आत्मीय लोगों को, जिन्होंने ओशो से स्पर्श लिया है, एनर्जी दर्शन लिया है, ओशो की ऊर्जा जिनके प्राणों में धमनियों में बह रही है, उसके साथ ऐसे कैसे व्यवहार कर सकते हैं? और कोई हम हिंसक जैसे आप सारे मस्जिद में खड़े हैं, कोई मौन खड़े हैं, कोई कुछ हल्ला गुल्ला नहीं है, कुछ नहीं है।